नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर पिछले एक सप्ताह से अनशन पर थी, जो अब खत्म हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पूर्व मुख्य सचिव श्री एस बेहार से चर्चा की, जिसके बाद अपना अनशन और आंदोलन खत्म किया। बीती शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रतिनिधि के रूप में बड़वानी जिले के छोटा बड़दा आए पूर्व मुख्य सचिव श्री बेहार ने धरना स्थल पर पहुंचकर मेधा पाटकर और उनके साथियों से चर्चा कर उन्हें मुख्यमंत्री के संदेश और सरदार सरोवर परियोजना के जल स्तर को कम करवाने के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बिहार ने मेधा पाटकर और डूब प्रभावितों से भी चर्चा कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने अनुरोध किया कि वो अपने स्वास्थ्य और मध्यप्रदेश सरकार पूर्ण समर्थन को देखते हुए अपना अनशन और धरना समाप्त कर दे। इसके बाद तय हुआ कि पाटकर और साथी 9 सितंबर को भोपाल में एनवीडीए के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राजन जी और आयुक्त महोदय, इन दोनों के ऊपर हम भरोसा रख कर ही कर रहे हैं। ये मध्यस्थ रहे, एक पक्षी न रहे। हमने जाना है उनको मुख्य सचिव होते हुए कितनी कुशलता है एडमिनिस्ट्रेटिव, उस वो कुशलता अगर आज के अधिकारियों में होती तो हमको यहाँ बैठना ही नहीं। कुशलता न मंत्री में है न किसी अधिकारी में है। हम आशा करते हैं कि डूब के पहले पुनर्वास, बहुत कड़ी चुनौती सामने है, तो हम भोपाल चलेंगे और आशा है वहाँ लंबा सत्याग्रह हमको न साई बाबा जीवनधारा हॉस्पिटल बड़वानी में हूँ। यहाँ पर रात में 12 बजे कोई मेरा दीदी को लाया गया था, जो 8-9 दिन से उपवास पर थी। यहाँ आने पर उनका जो परीक्षण किया गया उसमें उनका बीपी और पल्स थोड़ा कम पाया गया और शुगर उनकी जो थी वो नॉर्मल थी, और जो अपन ने खून और पेशाब खून की जो अभी तक जाँचें हुई है वो सारी जाँचें अभी तक सामान्य पाई गई है। अनशन स्थल के बाद मेधा पाटकर को बड़वानी के निजी हॉस्पिटल के ICU में एडमिट किया गया। डॉक्टर्स के अनुसार स्वास्थ्य ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवान न्यूज़, बड़वानी।